हिंदी में बोले या इंग्लिश में? जी सर हिंदी में। हिंदी? यस। तो अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम विनीता है, मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले की निवासी हूँ। और सर मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। सर मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। और सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की है और उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र से की। और सर मेरी हॉबीज में नेट सर्फिंग, सोशल अवेयरनेस और बच्चों को सोशल अवेयरनेस। यस सर। और बच्चों सर अपने आसपास में जो कुछ भी समस्याएं हैं समाज में उनके बारे में जागरूक रहना तथा उनके प्रति उचित प्रतिक्रिया करना। रेंटली ड्यूली सॉरी सर कहाँ भी रह रहे हो आप? सर मैं गांव अपने गांव में रह रहे हैं, जयपुर। जयपुर? यस सर। तो क्या अवेयरनेस, क्या सोशल इश्यूज है वहाँ पे? सर जैसे गांव में जैसे पानी के जो कई बार पानी का बहुत वेस्टेज होता है या फिर जैसे लाइट को लेके कई बार लापरवाही करते हैं लोग, जैसे लाइट चालू छोड़ देते हैं। और इसके अलावा सर जैसे गर्ल्स की एजुकेशन भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो सर मैं उन सब के बारे में मेरे से जितना हो सकता है मैं अपने स्तर पर लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। नहीं सर गांव-गांव नहीं, जैसे मैं मेरे आसपास में जिनको भी मैं देखती हूँ ऐसा कुछ उनको सर। सर हॉबी जो काम हमें करना अच्छा लगता हो, तो सर जो जहाँ भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको समझा पाऊँ। आपको लगा कि समझाने से कुछ फायदा हुआ? हाँ सर मैंने हाँ सर। अच्छा, इस फील्ड में आपको लगा क्या यहाँ पे? सर एक तो जैसे पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, जैसे गांव में ना एग्रीकल्चर के लिए लोग कई बार पानी ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, तो सर मैंने उनको समझाया और अब धीरे धीरे उनको भी ये चीज़ें अपने आप से भी समझ में आ रही है सर, क्योंकि पानी की जैसे गाँव में कमी रहती है तो अब लोग। ड्रिप इरीगेशन? सर ड्रिप इरीगेशन एक सिंचाई का एक माध्यम है जिसमें एक ड्रिप के रूप में पानी की सिंचाई की जाती है पौधों तक, जिसमें बूंद बूंद करके पानी पौधों में जाता है, उसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है सर, वेस्टेज होता नहीं है। फर्टिगेशन क्या होता है? सर जी सर जी सर फर्टिगेशन में पानी के साथ जो फर्टिलाइजर है उनको मिला के पौधों में दिया जाता है। सर EPFO में हमारे गांव में एक भैया है जो पहले से EPFO में असिस्टेंट PF कमिश्नर की पोस्ट पे है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक बहुत अच्छी जॉब है और एक बहुत अच्छा करियर है इनमें, और इसमें बहुत अच्छे काम करने के भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जैसे कि हमें सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने को मिलता है जिसमें हम सर्विस डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट का काम करने को मिलता है, इसके साथ सर इसमें पब्लिक डीलिंग का भी काम करने को हमें मिलता है। तो ये सब जब मैंने भी इसके इन सब के बारे में जाना तो मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा लगा और इसलिए फिर सर मैंने इसकी तैयारी करने की सोची। और क्या बताया उसने? कोई प्रॉब्लम नहीं इस फील्ड में? सर प्रॉब्लम्स भी है इस फील्ड में, जैसे कई बार जैसे कंपनीज इससे बचने की कोशिश करती है सोशल सिक्योरिटी से, वो अपने एम्प्लॉयज के जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो नहीं करती है, तो ये सब है इसमें कुछ इश्यूज है अभी। Empowerment of women. जी सर। It must for economic development of the country. Yes sir. So आपको क्या लगता है कि किस किस एरिया में होना चाहिए empowerment? सर मुझे लगता है हर क्षेत्र में एम्पावरमेंट होना चाहिए, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर फील्ड में वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए सर। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है वर्ड है, यस सर, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर? हां शुरू करना चाहिए सर, ये अपने घर से, सबसे पहले अपने घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, जैसे परिवार में, जैसे अपने परिवार में जो महिलाएं हैं, जो छोटी लड़कियां, जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको एक तो बराबरी का, जैसे लड़कों के बराबर उनको हर चीज़ में बराबर रखना, पढ़ाई में उनको लड़कों के बराबर, कभी ये नहीं कहना कि अगर घर में रिसोर्सेज की कमी है तो लड़की को की पढ़ाई छुड़ा दें, तो अगर जितना पॉसिबल हो दोनों को बराबर रखना चाहिए, अगर
ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें कि हमें कि एक कि लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ा सकते हैं लेकिन लड़की को नहीं पढ़ा सकते, तो इससे अच्छा है हम दोनों को सरकारी स्कूल में डाल दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस सर। बताइए सर, ये जो गर्ल्स जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए और लड़कियों का लड़कियों के लिए शिक्षा लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में उनका एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए एक प्रयास था सरकार की तरफ से। अब बताइए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे एक वुमेन वर्कर का मेन प्रॉब्लम क्या है? सर मुख्य इशू अभी एक तो जो सेफ्टी का मुख्य एक समस्या है सर, जैसे कि अभी 7 बजे से बाद में और सुबह 6 बजे से पहले अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनमें हालांकि गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं कि अगर कोई महिला अगर अपनी अपनी सहमति देती है और उसके बाद जो एम्प्लॉई है वो पर्याप्त उसकी सेफ्टी और सेफ्टी के लिए वहाँ पे पर्याप्त जो संसाधन चाहिए वो अगर करता है तो वो अपनी इच्छा से 7 बजे के बाद में भी काम कर सकती है, तो मेन इशू सर सेफ्टी का ही है अभी। मेन इशू सेफ्टी का है। यस सर। अभी बात चल रही थी कि वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वे आर्म्ड फोर्सेस में भी वुमेन को आना चाहिए और वहाँ भी गवर्नमेंट उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाह रही है वो। जी सर। चलिए अच्छा, तो डोंट यू थिंक इट्स मोर मैस्कुलिन काइंड ऑफ वर्क, जरूरी है आगे महिलाओं को जाना? सर मुझे लगता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम है, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी क्षमता साबित कर पाए कि वो भी सेना में जाए, जरूरी है। सर अगर वो कैपेबल है और वो पुरुषों के बराबर काम कर सकती है तो मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए। यस सर। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं ना? यस सर। क्या पढ़ा आपने? सर आज तो मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि सर मैं गांव से आज ही आई हूँ, अभी 1 बजे मैं दिल्ली पहुँची हूँ, तो मैं आज का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाई सर। क्या अभी क्या मेजर इश्यूज, क्या भारत में किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा था, अभी भी किसान कृषि आंदोलन करना चाह रहे हैं, उनका क्या ग्रीवांस है, मेजर ग्रीवांस क्या होता है? सर एक तो उनको जो उनके उत्पाद का जो उचित मूल्य नहीं मिल पाना एक उनकी समस्या है मुख्य, जिसके लिए वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि उनको एक एक कानूनी रूप से उनको एक ऐसा एक्ट बना के मिले कि उनको एक निश्चित मूल्य उनके उत्पाद का मिल क्या सके। एमएसपी क्या होता है? हाँ जी सर, सर MSP एक फिक्स्ड प्राइस होता है जिसकी गवर्नमेंट गारंटी देती है कि वो अगर कोई और क्रेता अगर उस मूल्य पे नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती है कि गवर्नमेंट खरीदेगी उस उत्पाद को, एक मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है। क्या सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर अभी गवर्नमेंट जैसे मुख्यतः 2 फसलों का कर रही है प्रोक्योरमेंट MSP के तहत, गेहूं और चावल का, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कुछ लिमिटेशंस है जैसे कि भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाना, जिससे अगर वो गवर्नमेंट अभी अभी इनके गेहूँ और चावल के प्रोक्योरमेंट में कई बार ऐसा होता है कि वो पर्याप्त भंडारण की सुविधा न होने के कारण वो सड़गल जाते हैं जो उत्पाद वो प्रोक्योर करते हैं, तो अगर वो और अधिक प्रोक्योर करेंगे दूसरी फसलों को भी तो गवर्नमेंट के लिए उसकी भंडारण की मुख्य समस्या आएगी। तो कह रहे हैं कि आप MSP फिक्स कर दो, प्राइवेट पार्टी को हम बेच लेंगे उसी पर प्राइस पे। जी सर। सरकार क्यों नहीं कर रही है? सर हालांकि गवर्नमेंट ने 23 फसलों का अभी कर रखा है, तो सर इसके पर्याप्त एक तो किसानों को इसकी जानकारी होना एक प्रमुख एक इसमें जानकारी होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। किसानों को अभी मुख्य तो उनको लगता है कि केवल सरकार गेहूं और चावल का ही MSP निर्धारित कर रही है, तो सर MSP तो और आर्टिकल पे किए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसान ये कह रहे हैं कि आप MSP फिक्स कर दो, प्राइवेट जो जो कंपनियाँ हैं वो भी हमें इसी मूल्य पे खरीदे, इससे कम मूल्य पे ना खरीदे, जरूरी नहीं कि सरकार खरीदे। सरकार को क्या इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं करना चाहती है? सर इस बारे में सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। नहीं कर सकते? जी सर। चलिए ठीक है सर। जी सर। नेट सर्फिंग आपकी हॉबीज है? जी सर। और टीचिंग चिल्ड्रन?
यस सर। तो बच्चों को जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको एंजॉयमेंट आता है? यस सर, यस सर। ऐसा माना जाता है आदमी को जिस चीज में मजा आए आदमी को वही काम करना चाहिए, वही प्रोफेशन करना चाहिए। यस सर। तो फिर आप इस तरह के जॉब प्रोफाइल की तरफ क्यों अपने एनर्जी को नष्ट करते हैं? सर इसमें मेरा हॉबी इसको बताने का ये है कि जैसे मैं कई बार जैसे अपनी पढ़ाई से या फिर थोड़ी स्ट्रेस रहती हूँ तो मुझे बच्चों को मैं उनको ऐसे जैसे फॉर्मल एजुकेशन वैसे नहीं देती कि कोई क्लास ले। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप अपने हॉबीज के क्षेत्र में अगर कैरियर भी अपना, जी सर, जिसको तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? और एजुकेशन तो बहुत ही अच्छा एरिया महिलाओं के लिए और भी सेफ है, फैमिली की जिम्मेदारी आप साथ साथ संभाल सकती है, वर्कलोड कम होता है। सर मैं इसको एज ए हॉबी रखना चाहती हूँ सर, मैं इसको प्रोफेशन अपना नहीं बनाने के। तो इसको प्रोफेशन में क्यों अपना रहे, क्या ऐसी चीज आपको? मुझे तो ऐसी कोई खास बात तो इस जॉब में नहीं लगती जिस वजह से इतना क्रेजी आप हो रहे हैं। सर मैंने इस जॉब के बारे में जितनी की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसका कुछ बनता था, इसमें तो ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल कुछ नहीं है। सर जैसे कि मैंने बताया कि जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था उन्होंने मुझे काफी इसके बारे में कोई भी आदमी अगर कन्विंस कर देगा किसी और जॉब के बारे में उसको छोड़ कुछ में लग जाएगी? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मैंने भी इसके बारे में फिर रिसर्च किया था और उसके आधार पर ही मैंने ये डिसाइड किया था। मैंने इसके बारे में जाना तो ये जैसे कि सर EPFO वर्ल्ड की वन ऑफ लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सर, तो ये उसके सोशल सिक्योरिटी के जॉब में ऐसी क्या बात है? ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी हो, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के बड़े बड़े हैं, इस जॉब में ऐसी क्या खास बात है जो आप इतनी इंप्रेस हुए? सर इसमें मुझे जो जो खासकर जो जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी की नीड होगी उनके लिए। स्कूल में गरीब बच्चे अगर पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं? सर उसको मैं एज ए हॉबी मैं सोचती हूँ कि एज ए हॉबी भी मैं उसको पूरा कर सकती हूँ, ये सर मेरा ये है इसमें। अच्छा आपने जो रिसर्च किया उसमें किस तरह की लेबर प्रॉब्लम्स आपको समझने को मिली, किस तरह की दिक्कत आपको लगता है कि आज की डेट में है? सर अभी मुख्यतः जो सोशल सिक्योरिटी है वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही है, तो इसमें जो सोशल सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ और है लेबर्स प्रॉब्लम? सर लेबर प्रॉब्लम में उनको जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिल पा रहा है, और इसके साथ सर कई बार ऐसा होता है कि उनका एम्प्लॉई के द्वारा उनका शोषण किया जाता है और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते, तो सर ये मुख्य मुद्दे हैं अभी लेबर को लेकर। अच्छा आपको लगता है कि जब लेबर और एम्प्लॉयर के बीच को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केवल एम्प्लॉयर ही एक्सप्लॉइटेड होता है वहाँ पे? केवल एम्प्लॉयर ही एक्सप्लॉइटेड होता है? केवल एम्प्लॉय माने एम्प्लॉयर ही जिम्मेदार होता है कि आपको ऐसा लगता है वहाँ एम्प्लॉय की लेबर की कोई गलती नहीं होती है? सर ऐसा ऐसा कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट है वो काम करना चाहते हैं लेकिन मालिक ही उनको एक्सप्लॉइटेड ऐसा? जी नहीं सर ऐसा हम हर केस में ऐसा नहीं कह सकते सर, कई बार एम्प्लॉई की भी गलती होती है उसमें कई बार। अच्छा लेबर रिफॉर्म्स में लेबर यूनियन की क्या भूमिका हो सकती है? आपने तो काफी रिसर्च किया, आपने बताया मैंने बहुत रिसर्च किया। जी सर तो सर लेबर यूनियन के जैसे कि सर अभी इसमें ये रखा गया है कि लेबर एक तो जो स्ट्राइक है वो उसके मैंने आपसे पूछा कि लेबर रिफॉर्म्स में लेबर यूनियन की क्या भूमिका हो सकती है, सर महिलाओं के लिए एक तो पर्याप्त रूप से सुरक्षा के वहाँ पे जो संसाधन होते हैं वो नहीं होते हैं, इसके अलावा सर कई बार जैसे जो मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी होती है, तो ये एक दूसरा एक मुख्य मुद्दा है सर। इसके साथ सर जो विमेन है उनको उनको पुरुषों के बराबर जो वेज है वो नहीं मिलता है भले ही वो उनके बराबर काम कर रही हो, तो सर ये एक मुझे लगता है एक मुख्य इशू। आपको हमने जॉब दे दी, आप सेलेक्ट हो गए, आपकी पोस्टिंग
दिल्ली में हो गई, गोरखपुर में हो गई, आप जयपुर के हैं, आपकी शादी हुई, आपका किसी बिजनेस मैन से शादी हो गया जयपुर में, वो अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकता और आप गोरखपुर में आपकी पोस्टिंग हो गया, कैसे लगू कर रहे हैं कि भाई अब कैसे आपका काम चले? सर मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि जिस प्रकार उनका काम उनके लिए बहुत जरूरी है उसी प्रकार मेरा काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। परिवार से दूर रहकर गोरखपुर में आप सेटल हो जाएंगे? नहीं सर, परिवार से फर्क पड़ता है लेकिन परिवार को भी मेरी समस्याएं जो मेरे जो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ वो चीज़ें परिवार मुझे लगता है अगर वो समझेगा कि मेरे भी अपने सर ऐसे में मुझे लगता है कि मैं पहले तो उनको समझाने की कोशिश करूंगी, अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो सर मुझे लगता है समझाएंगे क्या, इसमें समझना ही कुछ नहीं है, उनको रहना है जयपुर में, आपको रहना है यहाँ गोरखपुर में, जॉब तो है नहीं, बिजनेस है, बिजनेस छोड़ नहीं सकते, एस्टेब्लिश बिजनेस सब का हो जी सर, तो सर डिसीजन लेना है आपको, बस एक तरफ परिवार एक तरफ जॉब है, तो सर अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो उनको क्या समझाना है, आप उनका डिसीजन लेना है, आपको जॉब प्रेफर करना है या फैमिली को प्रेफर करना है? तो सर मुझे लगता है कि मैं अपने कर्तव्य के साथ जाऊंगी और मैं भी अपनी क्योंकि मैंने भी मेरी जॉब के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है तो मैं वो निभाऊंगी। परिवार के प्रति नहीं है आपका, सर सर मैं मेरा जो भी कर्तव्य परिवार के प्रति होगा मैं कोशिश करूंगी मैं उसको भी पूरी तरह निभाने की कोशिश करूं कि अगर मुझे अप डाउन करना पड़े तो मैं अपनी अपने जो जो वर्किंग आवर्स है नहीं सर जैसे कि मेरे वर्किंग आवर्स के अलावा मुझे जो टाइम मिलेगा मैं उसमें वो काम करने की कोशिश करूंगी। और सर सर मेरा हमेशा से मेरी आकांक्षा रही है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और मुझे ये मौका मिला है तो सर मैं इसको नहीं खोना चाहूंगी। जी सर। सर हॉर्टिकल्चर होता है जो मुख्यतः गार्डन प्लांट्स होते हैं जैसे वेजिटेबल्स फ्लावर्स फ्रूट्स इन सब के कल्टीवेशन और इनकी स्टडी से डील करता है, जबकि जो विटीकल्चर है वो ग्रेप कल्टीवेशन से डील करता है। आपने बायोटेक से आपका सर मेरा मुख्य हॉर्टिकल्चर ही था उसमें सब सब्जेक्ट हैं ये सर। सपोज एक मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज आप हम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर या तमाम चीजों का जी सर, बीटी बैगन का कांसेप्ट है जी सर, आपके अनुसार उसे लागू किया जाना चाहिए? सर उसमें जैसे कि कई सारी समस्याएं आई थी कि एक तो उसमें जो ऐसा देखा गया कि जो जो उसमें जो सॉरी सर मैं अभी वो एक डिजीज रेजिस्टेंट की जो क्षमता थी उसमें सर वो उसमें डेवलप हो गई थी कि उस पर वो काम नहीं कर रहा था, ये एक उसमें मुख्य समस्या थी सर। साथ में उसमें ये देखा गया था कि उसमें उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो रहा था, एक दो जो जनरेशन है उनमें तो अच्छा उत्पादन उनका निकला, उसके बाद में उस उत्पादन में भी काफ़ी कमी आई थी और इसके साथ सर वो जो सोइल की जो उर्वरक क्षमता थी उसको भी काफ़ी प्रभावित कर रहा था, इसलिए सर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए एक व्यक्तित्व थी राजस्थान के भौंरी देवी जी सर, उनका मर्डर हुआ था जी सर, तो उनका क्या मेन कंट्रीब्यूशन रहा है एक महिला महिलाओं के लिए क्या मेन कंट्रीब्यूशन? सर मैं माफी चाहूंगी पर मैंने सुना जरूर है लेकिन मुझे अभी स्पष्ट उस बारे में मैं रिकॉल नहीं कर जी सर, उनका मर्डर नहीं हुआ लेकिन सर वो अभी भी है और वो केस चल रहा है उनका जी सर, जी सर उनका मर्डर नहीं हुआ सर वो केस चल रहा है अभी भी कोर्ट में, यस सर हाँ सर वो जी सर गाइडलाइंस आ चुकी थी लेकिन भौरी देवी को उनके केस पे अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया था, वो गाइडलाइन एक एनजीओ था विशाखा उसके उसने जो याचिका दायर की थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अच्छा,
लीड वहीं की, वो जो एनजीओ था उसको लीड वहीं। सॉरी सर मैं उनके केस में ही आया था, कुछ उनके साथ हुआ था उसी केस। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और शायद अब उनकी मौत हो चुकी। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भारत के लिए काफी दुखदायी है। सर 30 जनवरी, सर गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी में। किसने किया था? सर नाथुराम गोडसे। आप जयपुर रही हैं और महाराष्ट्र में भी रही, पुणे में रही हैं? नहीं सर, अकोला, नागपुर के पास। सर नागपुर से भी दूर है थोड़ा। अब जयपुर और नगोला के बीच में, नगोला या नगोला, सांस्कृतिक अंतर क्या सर? जी सर, एक तो वहाँ पे जैसे जो गणेश उत्सव है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है, सो जो सर मैंने जयपुर में नहीं देखा उतना बड़े बड़े स्तर पर। इसके अलावा सर वो लोग जो उनके जो जैसे शिवाजी है उनकी जयंती को काफी हर्षोल्लास से मनाते हैं, ये एक दूसरा है। इसके अलावा सर उनके यहाँ पे जो उनके जो जो लोकल लैंग्वेज है जैसे मराठी, उसको काफ़ी महत्व दिया जाता है, जबकि राजस्थान में लोग अक्सर हिंदी बोलना प्रेफर करते हैं अगर वो किसी शहर में आकर अगर कहीं पे किसी से बात कर रहे हैं तो। लेकिन वहाँ पे टीचर्स भी सर मराठी में बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे ये तीन सर मुख्य लगे। जी सर, जी सर, पर मैं सर अभी उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।